पहली बार आप Thanks for letting us कैमरे के सामने आ रहे हैं एंड यू चोज फ्यूशिया एंड मी फॉर दैट, सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज. मुझे लगता है बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसके लिए जिसका आप इंतखाब करें उसको ऑनर्ड होना चाहिए. एक्चुअली बहुत मुश्किल था इनको मनाना इंटरव्यू पे लाने के लिए. अच्छा. सो आई टोल्ड हिम के बहुत सेफ एनवायरनमेंट होगा, कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे, आराम से बात कर सकेंगे. सो तो बताएं जी, कहाँ से कहानी स्टार्ट की जाए, हाउ इज द रिस्पांस अभी तक, पहले ये बताएं माशाल्लाह से. मिला जुला सा है कुछ? आई थिंक 90% ऑफ द पीपल दे आर हैविंग गुड कमेंट्स एंड गुड रिस्पांस. हम अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस पे इस रिस्पांस की तरफ फिर हम बाद में आते हैं. तो बताएं कहाँ से मुलाकात हुई पहले आप लोगों की? सो वी मेट ओवर किसको पहले देखा? Actually, we met over a dinner at a common friend's place, and yeah, मैंने obviously मैंने पहले देखा. आपको पता चल गया था इन्होंने देखा आपको? फॉरेन. मुझे ना लव स्टोरीज, आई लव लव स्टोरीज, एंड मुझे इतना मजा आता है ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स करके. तो फिर आपने थोड़ा नखरा दिखाया कि अच्छा, या आपने कहा नहीं नहीं ओके? हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब पता नहीं था, जाहिर है आई डिडंट नो हिम, पहली दफ़ा मैं मिल रही थी, तो इट वॉज अ नाइस डिसेंट एंड गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड. ओके. और देन फ्रॉम देयर या you can carry on. Yeah, then it went on. Shahani, are you blushing? That's so cute, mashallah. So yeah, it went on from that point, and we just spent little extra time with each other to get to know first. Okay. Because obviously it was difficult for her to decide as well. वही जो अब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर है वो कंसर्न इनका भी था कि यू नो हाउ सोसाइटी टेक्स इट. बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर टाइम आ रहा है. आपकी भी सेकंड मैरिज है? जी हाँ, इट्स माय सेकंड मैरिज. ठीक है. आपको नहीं पता था ये कौन है जब आप मिले? यार बड़ी शर्मिंदगी की बात है. नहीं भाई, okay, the point is, ये पॉइंट ना हम डिस्कस कर रहे थे, एंड दे लाइक जेवेरिया वाज लाइक मुझे नहीं बताना. तो मैं कहती हूं भाई उनको, वो पाकिस्तानी ड्रामे देखते ही नहीं है, क्योंकि स्टोरी आगे क्यूट है ना, आगे हुआ क्या भाई, एक क्यूट मोमेंट चला जाएगा. अच्छा, नहीं नहीं ठीक है. सो या व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता था कि सो यू हैड नो आइडिया कि जो जेवेरिया बासी कौन है, जिनको आप इतना पसंद कर रहे हैं वो कौन है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं? आई डिडंट हैव अ क्लू. ओके. फिर क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता, किसी ने आसपास बताया भी नहीं आपको? यार ये वाला डिस्कशन नहीं किया किसी के साथ बैठ के ड्रामों में क्या चल रहा है आजकल. नहीं नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन, माय बैड, रॉन्ग क्वेश्चन, सही है. तो जब देखता नहीं था तो कभी डिस्कस भी नहीं किया. सो आई डिडंट नो हर. So, but when I saw her, when we met, when we spoke, hamari thodi bahut baatcheet hui, so I really found her very interesting person to know more. So that was the starting point. I just wanted to know more about her. और फिर पूरी रात गूगल भी किया. और उसके बाद मैंने पूरी रात, अगली दो रात मैंने गूगल किया. दो रात मैंने गूगल किया, trying to find out कि यार कौन है ये. फिर आपको फिर थोड़ा हुआ? Then I realized कि oh. She is someone. Yes. तो उससे थोड़ा सा हुआ कि यार should I you know think about her or not, because she's a celebrity, she's an actress, kuch aisi thoughts aayi zehen mein? Main khud bahut confident tha. This is so cute. Now I know Javeria, ye to aapko to koi chance nahi mila hoga. You were bowled out. Ha, aaj ke interview mein bhi main chup raha hu. माशाल्लाह 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 कुव्वत अल्लाह बिल्ला. अच्छा ठीक है, तो फिर वो हो गया, एंड देन यू अप्रोच्ड हर अगेन? या देन आई अप्रोच्ड हर, देन आई talk to her ke, you know, yeah, this is what I feel for you and all. Okay. To wahan se phir silsila start hua tha, and I think initially it was more of just get to know each other. Yeah. And more from like that point it went to a friendship level. Okay. Yeah. Okay. So we were friends for I think for a very long time. Yeah, for two years or so. We were only friends. Huh. Used to hang out together. Hmm. Or कॉमन फ्रेंड सर्कल था, वहाँ बैठ गए साथ एंड ऑल, बट आपके दिल में कुछ और चल रहा था. या फ्रेंडशिप के पीछे चल तो दोनों के दिल में, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी. सो व्हाट वाज स्टॉपिंग यू गाइस? जहाँ आपको लगे कि मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ आपको नहीं करना, वहाँ रोक दीजिएगा ऑडियंस. लेकिन मैंने हर चीज ही पहले से परमिशन ले ली है. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए, बाय द वे. सो आई थिंक इट वाज द डायनेमिक्स. डायनेमिक्स, या which was a family dynamics that was stopping us. Aur dono ki kafi complicated thing, because my previous marriage and his marriage and you know kids.
दोनों तरफ बच्चे, और फिर अंजला वाज अबाउट टू गेट मैरिड, सो मुझे ये था कि मैं शादी कर लूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से उसकी शादी में हर्डल्स आए या कुछ. तो एक ही मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है अभी तक अंजला. तो मैं चाहती थी कि उसको मैं यू नो उसकी शादी अच्छी तरह हो जाए एंड देन आई टेक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. देन आफ्टर टू समथिंग ईयर्स, टू एंड हाफ ईयर, ही स्टार्टेड प्रपोजिंग मी एंड आई वाज सेइंग नो नो. एंड देन फिर जब मैं मान गई तो फिर इसने मुझे थोड़े से नफरत दिखाया. हम दोनों ने नफरत दिखाया एक दूसरे को. और बस फिर फाइनली अंजला की शादी के बाद when he again proposed me and he's like, listen, this is serious and you know, mm-hmm. just sit down and talk to me. If you don't want it, just finish it then. Yeah. And I was like, no, I can't, you know, I can't finish it off. I want to live with you. I really like you and all. And then, bas phir ek din subah he called me and he's like, रमज़ान थे. yeah. beginning of Ramzan and he's like, Friday को हम निकाह कर रहे हैं. and I was like, what? Friday को निकाह क्यों कर रहे हैं हम लोग? he's like, बस like after 4 days. yeah, 4 days. okay. it was Monday, right? yeah. and और फिर मैं पूरा दिन I was crying and sobbing. और बस मैं रोए जा रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है और हाँ कहना है या नहीं. और I didn't know. फिर रात को we met and I was like, okay, I'm ready now. let's do it. पूरा दिन होने के बाद और फिर बस अगले दिन से मैं, जिब्रान और अनुषा, मेरे बहन भाई दोनों, हम लोग बस निकल गए. हमने 2 दिन में सब कुछ किया, तैयारी जो हम कर सकते थे, और बस फ्राइडे को. लेकिन उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट होगी ना. हाँ, एक्साइटमेंट बहुत थी. समझ भी नहीं आ रहा था, रोना भी आ रहा था. रोना क्यों आ रहा था? क्योंकि जब लाइफ में आपको बहुत अरसे बाद ट्रू लव मिलता है ना, तो कभी कभी आप मेंटली ऐसे हो चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू. टू गुड टू बी ट्रू हो गया था ऑनेस्टली. मतलब आई थिंक इनके लिए पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत, इट वाज जस्ट सिंडरेला स्टोरी गोइंग ऑन. तो बस समझ नहीं आ रहा था, कुछ रोना आ रहा था कि वाकई रियल है, रियल है नहीं है. यू कुडंट बिलीव कि वाकई मुझे, मेरे साथ हो रहा है. फाउंड लव अगेन, हु सो ऑनेस्ट एंड सिंसियर. तो मेरे दोनों बहन भाइयों ने बहुत मुझे बैठ के समझाया कि इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, इज अ गुड पर्सन, वी नो हिम. और आई नो ऑल ऑफ इट. कभी कभी आपको बस चाहिए होता है कोई और बोले आपको कि सब ठीक है. नहीं, ट्रू, आप जो कह रही हैं वो समझ आ रही है. और इसी से रिलेटेड आगे मैं सवाल करूँगी, बट प्रपोज कैसे किया था आपने पहली दफ़ा? रोमांटिक जेस्चर पहली दफ़ा तो कराची में ही हो गया था, लाइक ऑन फोन्स एंड व्हेन वी वर मीटिंग अप एंड ऑल. लेकिन प्रॉपर प्रपोज वी वेंट टू पेरिस. ओके. मैं अपने काम के लिए गई थी, वो अपने काम के लिए गया हुआ था, और बस हम दोनों यू नो. तो यू न्यू कि वो जा रही हैं काम के लिए, तो आपने भी प्लान कर लिया. मेरा क्योंकि मैंने आपको बताया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वैसे ही काम की वजह से मेरा जाना होता है. ये इत्तेफाक से उन्हीं दोनों, ये भी यूरोप में थी. सो वी डिसाइडेड कि फाइन, लेट्स मीट इन पेरिस. और उस पे आपने सोचा मैं सरप्राइज करता हूं. हां भाई, रिंग लेकर आए थे. वाओ, माशाल्लाह, दैट्स नाइस. एट आइफल टावर. या सो आई प्रपोज्ड यू ओवर देयर. नो, आई डिडंट न्यू एंड